नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। आज हमारा प्यारा भारत फूट फूट कर रोया है। शेर बिपिन रावत को हमने आज अचानक खोया है। डोकलाम और म्यांमार के नायक हमको छोड़ गए। पत्नी सहित हमारे नायक हमसे ही मुंह मोड़ गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत होने की पुष्टि वायुसेना ने कर दी है। जनरल सेना में रहने के दौरान अपनी पूरी जिंदगी ऐसे रोल मॉडल की तरह जिए जिसे हर सैनिक अपनाना चाहेगा। जनरल रावत 2016 में पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करने के लिए हुई सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे हैं। सेना के तेज तर्रार अफसरों में शामिल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के आक्रामक बयानों से चीन और पाकिस्तान खौफ खाते रहे हैं। सैन्य बलों के प्रमुख बिपिन रावत को ऊंचाई पर जंग लड़ने और जवाबी कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ माना जाता था। देश के पहले सीडीएस जनरल रावत भारतीय सेना के 27वें सेना अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस दौरान उनके नेतृत्व में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया था। अमेरिका और चीन की तर्ज पर तीनों सेनाओं की एकीकृत थिएटर कमांड बनाने का कार्य उन्हीं की देखरेख में चल रहा था। कुन्नूर में हुए मारे गए सभी लोगों ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17V5 में पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उन्होंने उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि गोरखपुर के देवरिया के रहने वाले हैं, उनका सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में इलाज अभी चल रहा है। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के भीतर घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि जनरल बिपिन रावत ही थे। एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि जनरल रावत ने ही किया था। जनरल रावत मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार से संबंध रखने वाले। जनरल रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर्ड हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। बिपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली। चीन सीमा पर वो कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान भी संभाल चुके हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक दिया जा चुका है। जनरल रावत ने देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में एक सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अभी 2 साल बाकी था सीडीएस का कार्यकाल। केंद्र सरकार ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत 30 दिसंबर 2019 को नियुक्त किए गए थे। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया था, यानी उनका कार्यकाल अभी 2 साल और बाकी था। इसके बाद सरकार ने उन्हें सेनाओं की 3 नई कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी के तहत बनाए गए रोड मैप में तीनों सेनाओं को मिलकर 3 स्पेशल कमांड गठित करने का फैसला लिया गया, जो दुश्मनों को किसी भी परिस्थिति में मुंहतोड़ जवाब दे सके।
जीएन भारत परिवार ऐसे वीर सपूत जनरल बिपिन रावत को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।